एक बार की बात है, एक शहर के बाहरी छोर पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। इसकी गुहा में एक राजा कोबरा रहता था। उसके सिर पर कोबरा मोती था। वो कोबरा हर दिन सुबह उस गुहा से बाहर आता और उस पेड़ के पास सूरज की रोशनी में सोता और लोग उसके लिए बड़ी श्रद्धा से दूध लाते। रत्नाकर नाम का एक रत्न व्यापारी उस शहर का एक अमीर आदमी था। उनकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम रत्नप्रभा था। वो रत्नों की बड़ी शौकीन थी। वो कई तरह के रत्न इकट्ठा कर चुकी थी और उन्हें देखकर बड़ी खुश रहती थी, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे रत्न थे लेकिन कोबरा मोती नहीं था। कोबरा मोती मुख्य कोबरा के सर पर पाया जाता है। जब भी वो इस तरह के कोबरा मोती के बारे में सोचती थी तो महसूस करती थी कि उसके पास जितने रत्न हैं वो सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। वो कोबरा मोती के बारे में सोचती रहती। एक दिन रत्नप्रभा ने सुना कि शहर के बाहरी इलाके में एक बरगद के पेड़ की गुफा के अंदर रहने वाला कोबरा नाग देवता है। कोबरा के फन पर मोती है। वो कोबरा दिन के समय बरगद के पेड़ की गुहा से निकलता है, फिर सिमट कर सो जाता है। भक्तजन उस कोबरा को दूध चढ़ाते हैं। रत्नप्रभा जो एक कोबरा मोती प्राप्त करना चाहती थी, उसने सांप पकड़ने वाले को बुलाया और कहा, पेड़ की गुहा के अंदर रहने वाले सांप को मार दो और उसके फन से नागमणि निकाल लाओ। इतना कहते हुए उसने उसे सोने के सिक्कों की गठरी दी। फिर उस सांप पकड़ने वाले ने रात में उस बरगद के पेड़ पर जाकर उस कोबरा को मार डाला और नागमणि ले आया। रत्नप्रभा नागमणि पाकर बड़ी खुश थी। शेष सभी रत्नों को एक तरफ हटाकर उसने अपने माथे के बीच में बिंदी के रूप में उस नागमणि को पहनना शुरू किया। उस कोबरा के साथ हुई घटना के बारे में सुनकर वासुकी, जो कोबरा का राजा था, उसने बदला लेने का फैसला किया। वासुकी ने एक इंसान का वेश धारण किया और उस शहर में आ गया। जब उसने उस शहर में पूछताछ की तो पता चला कि रत्न व्यापारी रत्नाकर की बेटी रत्नप्रभा के पास एक नागमणि है। वासुकी ने एक सुंदर रत्न व्यापारी का वेश धारण किया और रत्नाकर के घर के पास एक मकान किराए पर ले लिया। उसने दिखाया कि वो कितना अमीर है। कई सौदागरों को आमंत्रित करके वासुकी ने उन्हें दावत दी और कहा, मैं एक रत्न व्यापारी हूँ और विभिन्न देशों का दौरा कर रहा हूँ। धीरे धीरे रत्नाकर वासुकी के बहुत करीब आ गया। उनकी संपत्ति और उदारता देखकर रत्नाकर बेहद प्रभावित हुआ। तब वासुकी ने इस बात का फायदा उठाते हुए रत्नाकर को उपहार के रूप में कई कीमती रत्न दिए और साथ में ये भी पूछा, अगर आप चाहें तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। रत्नाकर ने सोचा कि भले ही वो दुनिया में कहीं भी तलाशे, वो अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा पति नहीं ला सकते और इसके लिए सहमत हो गए। अपने भावी पति की महानता के बारे में जानकर रत्नप्रभा बड़ी खुश हुई। रत्नाकर ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक शुभ मुहूर्त तय किया और बड़ी रकम खर्च करके शादी के कार्यक्रम का इंतजाम शुरू किया। वासुकी ने प्रतिदिन उपहार के रूप में रत्नप्रभा को रत्न से भरी टोकरी भेजना शुरू किया। उन्हें देखकर रत्नप्रभा आश्चर्य में पड़ जाती थी। उनकी शादी योजनाबद्ध तरीके से हो गई। बुजुर्गों ने शादी के बाद वासुकी और रत्नप्रभा को एक कमरे में भेजा। तब वासुकी ने कहा, रत्नप्रभा, तुमने एक नाग देवता को मार डाला और कोबरा के मोती को उसके फन से निकाला। तुमने एक माफ ना किया जाने वाला पाप किया है, इसलिए तुमको सजा भुगतनी होगी। इतना कहते हुए वो एक बड़े सांप के रूप में प्रकट हुआ और उसने रत्नप्रभा को डस लिया। इसी तरह वासुकी ने रत्नप्रभा से अपना बदला ले लिया। फिर वासुकी ने कोबरा मोती को रत्नप्रभा के माथे से निकाला और वहां से चला गया। ये है नीलगिरी गांव, जहां हमारी कहानी का हीरो कल्याण रहता है। कल्याण एक मछुआरा है और अपनी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने जाता है। ऐसे ही एक दिन कल्याण ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डाल रखा था। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है, कोई वेल फंस गई है क्या? उसे खींचने के चक्कर में वो अचानक समुद्र में गिर पड़ा। अरे बाप रे, मैं तो गिर ही पड़ा पानी में। कोई बड़ी मछली मुझे अपना खाना बना ले, इससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर वो समुद्र में जल्दी जल्दी तैरने लगा। तभी एक मछली ने हमारे हीरो कल्याण को निगल लिया और वो उस मछली के पेट में पहुंच गया। हे भगवान, मेरा डर सच हो गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? कुछ देर में ये मछली मुझे हजम कर लेगी। तभी उसे उस मछली के पेट के अंदर कई सारे सोने के सिक्के दिखे, जिसे देखकर वो हैरान हो गया और सोचने लगा, हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, अगर ये मछली मेरे जाल में फंस जाती तो ये सिक्के मेरे होते और मेरा भाग्य चमक जाता।
ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गया। इस बीच एक दूसरे आदमी के जाल में ये बड़ी मछली फंस गई, जिसने हमारी कहानी के हीरो कल्याण को निगल लिया था। वो दूसरा मछुआरा जो जरा बेवकूफ सा था, मछली को अपने घर ले गया। उस मछली को काटते समय उसके पेट के अंदर उसे सोने के वो ढेर सारे सिक्के मिले जो कल्याण ने भी देखे थे। ये मछली तो एक जादुई मछली लगती है, तभी तो एक इंसान ने इसके पेट में जन्म लिया है। ये मेरी भाषा समझेगा। इसी बीच कल्याण को होश आ गया और वो उठ खड़ा हुआ। कल्याण को देखकर उस मछुआरे ने उससे पूछा, अरे जल आदमी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अरे मैं जल आदमी नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसा एक आम आदमी हूँ। और उसने उसे सारी घटना सुनाई। ये सुनकर वो व्यक्ति हैरान हो गया और बोला, ठीक है, मैंने अपने जाल को समुद्र में फेंका और इस मछली को पकड़ा है, और तो और मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है, इसलिए ये सारे सोने के सिक्के मेरे होंगे। कुछ तो भी, वे सोने के सिक्के सबसे पहले किसने देखे थे? मैंने, जान की बाजी लगाई है। जान की बाजी? अच्छा तो फिर चलो सोने के सिक्कों को समुद्र में वापस फेंक देते हैं, फिर जान की बाजी लगाकर जो उन सोने के सिक्कों को निकालेगा उनका उन पर हक होगा। क्या उलझल उल बक रहे हो, कितनी डुबकियां लगवाओगे यार खारे पानी में? हानि तो फिर इस मछली से ही पूछो कि किसके हैं ये सोने के सिक्के। लो कर लो बात, भैया मंगल ग्रह से आए हो क्या, मरी हुई मछली से पूछोगे? ये तो मर गई है बेचारी, तो मछली को जिंदा करो और पूछो। हे भगवान, क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो अंकल, मैं क्या जादूगर हूँ? मुझे ये सब नहीं पता भैया, जब तक मछली नहीं कहेगी मैं तुमको ये सोने के सिक्के नहीं लेने दूंगा। वो मछुआरा अपनी बात पर अड़ा रहा। अरे यार, तुम एक बार मेरी बात सुनोगे? बोलो क्या है वो बात? हम इन सोने के सिक्कों को आपस में बराबर बांट लेते हैं, ठीक रहेगा ना? फिर ठीक है, लेकिन बांटूंगा मैं। तुम बहुत शातिर आदमी लगते हो, क्या पता ज्यादा खुद रख लो। ठीक है मेरे बाप, बांटो, लेकिन जरा जल्दी बांटो। फिर उस मछुआरे ने उन सोने के सिक्कों को अपने और कल्याण के बीच बराबर बांटा। फिर दोनों सिक्के लेकर अपने अपने रास्ते पर चले गए। कल्याण ने उन सोने के सिक्कों को बेच दिया। उसने बनाया एक अच्छा सा घर और एक हीरो की तरह ऐश आराम से रहने लगा। दूसरे मछुआरे ने अपने सोने के सिक्के बेचे और उन पैसों से मछली का कारोबार शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि फिर कभी ऐसी ही कोई और मछली फंस जाए शायद। एक दिन मनोहर जंगल होकर घर जा रहा था। जाते वक्त उसने आग देखा। एक सांप आग में जल रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, कोई यहाँ पर है तो बचाओ मुझे, बचाओ। ये सुनकर मनोहर सोचने लगा, शायद कोई है जो आग में फंसा हुआ है। ये सोचकर वो आग के तरफ दौड़ गया। उसने देखा एक सांप जो बात कर सकती है वो फंसी हुई है आग में। मनोहर ने आग बुझाई और सांप से कहा, माँ आप भगवान जैसी दिख रही है, कृपया मुझे आशीर्वाद कीजिए। जरूर, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, मैं तुम्हें कुछ उपहार में देना चाहती हूँ। ये कहकर नाग देवी ने उसे मणि दिए। नाग देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सहायता की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और एक बात, अगर मैं आपको भविष्य में कभी मिलना चाहूँ तो कहाँ मैं ढूंढूँ आपको? मैं जंगल में रहती हूँ, बस मुझे माँ कहकर बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। ये कहकर वो नाग देवी वहाँ से चली गई। मनोहर जिसे वो मणि मिले थे वो बहुत खुश हुआ और अपना घर जाने लगा। जाने के दौरान एक चोर उस पर हमला किया और उसके सारे मणि चोरी कर लिए उससे। इसी के साथ मनोहर ने माँ कहकर बुलाया। तुरंत वो नाग देवी वहाँ आई। मनोहर ने सारी बातें उनसे कही। सांप ने उस चोर का पीछा किया और उसे निगल लिया। फिर उस सांप ने सारे मणि मनोहर को वापस दिलाया। मनोहर ने नाग देवी को एक बार फिर से धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चला गया। फिर उसने उस मणि को दुकान में बेच दिया और उससे भारी रकम कमाया। इसी के साथ वो काफी अमीर हो गया और खुशी खुशी रहने लगा। ये सब जानने के बाद मनोहर के दोस्त नरेंद्र उसके घर पे आया। मनोहर, अब तुम अमीर इंसान बन गए हो, कैसे तुमने इतना धन कमा लिया इतने कम वक्त में, कुछ खुलासा करो। फिर मनोहर ने बताया जो भी कुछ हुआ था साफ साफ से। ये सब सुनने के बाद नरेंद्र ने मनोहर से कहा, ठीक है मनोहर, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद नरेंद्र जंगल चला गया अपने और दो दोस्तों को लेकर और माँ माँ कहकर चिल्लाने लगा। तुरंत वहाँ नाग देवी आ गई। हे नाग देवी, जितने भी तुम्हारे पास मणि है मुझे चुपचाप दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा इस बारे में। ये सुनकर नाग देवी काफी गुस्से में आ गई और भयानक शैतान नागिन में बदल के उन तीनों को निगल ली। ठीक उसी वक्त मनोहर वहां गया नाग देवी को धन्यवाद कहने के लिए
और सब कुछ देख लिया जो भी वहां हुआ था। माँ कृपया शांत हो जाइए, शांति शांति। फिर वो शैतान नागिन नाग देवी के रूप में वापस आ गई। माँ मैं यहाँ आया था आपको धन्यवाद कहने के लिए, वो मेरी ही गलती थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया था कि कैसे आपने मेरा सहायता किया, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेंगे। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर वो नाग देवी मान के मेरे सामने विनती करते, आशीर्वाद चाहते, तो मैं उसे जरूर वरदान देती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहकर नाग देवी वहाँ से चली गई। फिर मनोहर भी वहाँ से चला गया।